जहाँ तक चंद्रवंशी जी का बात किया जाए, वो जमीनी स्तर के नेता हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई पार्टी का और सिंबल का ज़रूरत नहीं होता है। वो उन्हें अगर निर्दलीय भी खड़ा कर दिया जाए तो वो अपने बदौलत जो है वो जीत लेते हैं। बोल रहा हूँ खोल गया आपको कि चंद्रवंशी वहाँ से जीत रहे हैं, आइए पिछले बार जो आंकड़ा था उससे बढ़ के जीतेंगे इस बार, समझे? का नेता मानते हैं, क्या लगता है? बिल्कुल है, वो इसमें कहने वाली बात है। आप जाइए वहाँ, देखिए विकास हो रहा है, वहाँ के लोगों से बात कीजिए कितना विकास हो रहा है, समझे? क्योंकि वो अति पिछला का नेता है भाई, गरीब दुखिया सबका काम, और मुख्यमंत्री जी का जो सात निश्चय का योजना है हर घर तक पहुंचाने का काम किया, जितना विकास किए हैं नीतीश कुमार वो हर घर तक, वो चंद्रवंशी जी अपने क्षेत्र में हर लोगों को मदद किए। बिल्कुल मारेंगे बाजी पिछली बार की तरह, इस बार इन बार भी उनका ही डंका बजेगा जहानाबाद में, पूरे जहानाबाद का लोग मतलब जनता उनकी साथ है। बिल्कुल आप लोग साथ दे रहे हैं? बिल्कुल साथ दे रहे हैं। लग रहा है भाई इस बार जहानाबाद का जो लोकसभा है उसका किस तरह का माहौल लग रहा है? देखिए जहानाबाद लोकसभा में जो पिछली बार हुआ था, चंदेश्वर चंद्रवंशी जी जो भारी मतों से जीते थे, इस बार फिर से रिपीट होने वाली है। जदयू और बीजेपी की मिलीजुली सरकार चलती है वहाँ पे, और इस बार फिर पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार आने वाली है, क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, ठीक है? सामने और कोई टिकने वाला नहीं है, एक फ़ोन पे कहीं आ जाना, गरीबों का मदद करना हमेशा से रहा है उनका, ठीक है? तो इस बार फिर पूर्ण बहुमत से जहानाबाद में उनकी सरकार आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार ने पलटी मारा है, लोग कह रहे हैं कि इस बार हो सकता है नुकसान होगा, क्या लगता है? नहीं नहीं, पलटी कहाँ मारा है, वो तो अपना सुरक्षा देख रहे हैं कि जहाँ पे देख रहे हैं उनको वहाँ पे काम नहीं करने दिया जा रहा है बढ़िया से, तो भाजपा में आकर के वो अच्छे काम कर रहे हैं तो फिर उनको, और चंदेश्वर चंद्रवंशी जी के सीट का से किसी का कोई लेना देना नहीं, वहाँ फिक्स है उनका, वो जीतवे करेंगे वहाँ। लहर भी वहाँ काम कर, मोदी लहर बिल्कुल काम कर रहा है वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे बिहार में पूरे देश में मोदी लहर है, बिल्कुल है। चंदेश्वर चंद्रवंशी बाजी मार सकते हैं? बिल्कुल मारेंगे बाजी पिछली बार की तरह, इस बार इन बार भी उनका ही डंका बजेगा जहानाबाद में, पूरे जहानाबाद का लोग मतलब जनता उनकी साथ है। बिल्कुल आप लोग साथ दे रहे हैं? बिल्कुल साथ दे रहे हैं। क्या नाम हो भैया? सुशील राज। क्या कहेंगे वहाँ पे जहानाबाद में जेडीयू के प्रत्याशी है चंदेश्वर चंद्रवंशी, क्या क्या लग रहा है? देखिए चंदेश्वर चंद्रवंशी वहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, वो विकास किए हैं और अति पिछला समाज से आते हैं, ठीक है, अति पिछला के साथ गरीब गुरबा के साथ काम किए हैं और विकास का जो काम किए हैं उन्होंने वो लगातार करते रहे अपना क्षेत्र में जाके जहानाबाद में, तो इसलिए जहानाबाद जो सीट इस बार, पिछले बार हम लोग 5000 चुनाव से जीते थे ना, इस बार दुगनी 1,00,000 वोट से जीतेंगे। क्यों लगता है कि चंद्रवंशी जी जीत जाएंगे? क्योंकि वो अति पिछला का नेता है भाई, गरीब दुखिया सबका काम, और मुख्यमंत्री जी का जो सात निश्चय का योजना है हर घर तक पहुंचाने का काम किया, जितना विकास किए हैं नीतीश कुमार वो हर घर तक, वो चंद्रवंशी जी अपने क्षेत्र में हर लोगों को मदद किए, इसलिए वो जीत रहे हैं। जीत जाएंगे? पूरा जीतेंगे भाई, कौन कहता है कि नहीं जीतेंगे। पलटी मारे नीतीश कुमार तक कुछ असर पड़ेगा? देखिए नीतीश कुमार पलटी क्यों मारे, वो वहाँ घुटन महसूस कर रहे थे, इसलिए नीतीश कुमार पलटी मारे, उनको काम करने नहीं दिया जा रहा था क्षेत्र में, इसलिए वो पलटी मारे हैं। यहाँ काम करने के लिए एनडीए हम लोग के साथ है, नरेंद्र मोदी का साथ है, और काम जो करेंगे वो विकास का ये काम तो होगा ही। चंद्रवंशी जी जीत रहे हो? हाँ जीत रहे हैं भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। 5000 वोट से ना जीते थे उस टाइम, अब 1,00,000 वोट से जीतेंगे। 1,00,000 वोट से जी? क्या अति पिछड़ा का समाज से आप भी आते हैं क्या? हम भी अति पिछला समाज से भाई, चंद्रवंशी जी भी अति पिछला समाज का नेता है और सबका बात सुनते हैं और कर रहे हैं काम, जो उनका विकास है और जो उनको फंडिंग मिलता है वो जहानाबाद क्षेत्र में पूरा काम किए हैं। अब जाके देखेंगे हर मसौरी ये सब देखिएगा, पूरा पुल पुलिया सड़क हर जगह बन रहा है, जो नीतीश कुमार का साथ योजना था वो भी उन पर पूरे क्षेत्र में जाके लागू किए हैं। नीतीश और मोदी की जोड़ी जहानाबाद जिता देगी? तो पूरा, इसमें कोई दो राय नहीं है भैया। आप थोड़ा आपसे बात करेंगे, हो गया? क्या लग रहा है जहानाबाद में इस बार, क्या लग रहा है? जीत रहे हैं चंद्रवंशी जी। अच्छा, आपको नहीं लग रहा? पहले बार पहले देखे थे ना, अगला को मात दिया था ना, सुरेंद्र यादव थे शायद वहाँ से, उनको हराया ना, इस बार भी वो हारेंगे। इस बार जेडीयू मैदान में है, प्रत्याशी रिपीट करवा दी है, क्या लगता है नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी कुछ कामयाबी करेगी?
आप कैसा सवाल कर रहे हैं, कामयाबी करेगी, बिल्कुल कामयाबी है। वहाँ से चंद्रवंशी जी जीत रहे हैं, बोल रहा हूँ खोल गया आपको कि चंद्रवंशी वहाँ से जीत रहे हैं। आइए, पिछले बार जो आंकड़ा था उससे बढ़ के जीतेंगे इस बार, समझे। का नेता मानते हैं, क्या लगता है? बिल्कुल है, वो इसमें कहने वाली बात है। आप जाइए वहाँ, देखिए विकास हो रहा है, वहाँ के लोगों से बात कीजिए कितना विकास हो रहा है, समझे। हाँ, आप वहाँ जाके देखिए, समझे समझे। चंद्रवंशी जी वैसे नेता है कि वो हर बार जीत रहे हैं। देखिए गया से ले लीजिए प्रेम कुमार चंद्रवंशी, लगातार जीत रहे हैं। आखिर काम कर रहा है तब ने लोग, काम कर रहा था ना लोग, उन्हें ला रहा है। जहानाबाद सीट जीत रही है जेडीयू? बिल्कुल जीत रही है, कन्फर्म जीत रही है, कन्फर्म रही है, समझे, कन्फर्म रही है, वहाँ से जीत रहा है चंद्रवंशी जी। बिल्कुल हराने वाला कोई नहीं है उनको। नीतीश कुमार के कारण जीतेगी या मोदी या नीतीश की जोड़ी की वजह से? चंद्रवंशी जी अपने चेहरे पे जीतेंगे, अपने चेहरे पे जीतेंगे, अपने चेहरे पे जीतेंगे, ना तो नीतीश ना तो मोदी, वो अपने चेहरे पे जीतेंगे। जो उन्होंने फंड मिला उन्होंने अपने क्षेत्र में ला के काम किया है। सांसदों से मुलाकात हो जाता है जनता का? बिल्कुल, हम एकदम जाइए आप बैठते हैं, लोगों से मुलाकात होता है, लोगों से रूबरू होते हैं चंद्रवंशी जी। जहाँ तक चंद्रवंशी जी का बात किया जाए, वो जमीनी स्तर के नेता हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई पार्टी का और सिंबल का ज़रूरत नहीं होता है। वो उन्हें अगर निर्दलीय भी खड़ा कर दिया जाए तो वो अपने बदौलत जो है वो जीत लेते हैं।